हेलो चैंपियंस, आप सबका हार्दिक स्वागत है प्रियस विद्यापीठ यूट्यूब चैनल के ऊपर। माय सेल्फ प्रियेश पटेल। बेटा, मैथमेटिक्स वन हो, टू हो, थ्री हो, प्रोबेबिलिटी स्टेटिस्टिक हो, AM EEE हो, CVPD हो, कोई भी मैथ्स हो, इंजीनियरिंग का, तो आपके दिमाग में एक सवाल रहता है कि सर प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्यूशन। लेकिन बेटा, एक चीज है जो मैंने भी गलती मेरी लाइफ में की है, मैं आज आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ, स्पेशली फॉर मैथ्स। तो वीडियो पूरा देखना ताकि आपको इस वीडियो से मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जैसे सब्जेक्ट में अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो बहुत कम समय में पास होने के लिए एक जोरदार सुपड़ा सा ट्रिक मिलने वाली है और आपको बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज में देने वाला हूं। तो वीडियो पूरा जरूर देखना। और वीडियो को शुरू करने से पहले, चैनल पे नए हैं तो एक सब्सक्राइब बटन है वो क्लिक कर देना ताकि ऐसी ही मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपको इंस्टेंट मिलती रहे। मैंने यहां पे बेटा लिखा है PYQ और चैप्टर। मैथमेटिक्स में बहुत कम टाइम है अभी आपके पास, दिमाग में ऐसा सवाल होगा कि सर मैं प्रीवियस ईयर के पेपर्स कर लूं पांच के चैप्टर करो, और पांच चैप्टर है, छह चैप्टर है, तो सर आप IMP चैप्टर बता दो तो मैं उतने चैप्टर कर लूंगा। अब मैं आपको ऐसा बोलूंगा बेटा, इस दोनों में से एक भी मत करो। तो आप बोलोगे तो सर क्या करें, सो जाए तो फिर पेपर में क्या आएगा, उसमें भी सोना पड़ेगा, है ना। तो बेटा ऐसा नहीं है, आप क्या करो, मैं जो आपको ट्रिक दे रहा हूं उसको फॉलो करो। अब वो ट्रिक क्या है बेटा, प्रीवियस ईयर के पेपर डाउनलोड कर लो। अब कोई भी पेपर हो, प्रीवियस ईयर के पांच पेपर ले लो। अब उस पांच पेपर में से जो सवाल आए हैं वो सवाल के टॉपिक कौन से हैं, उसका एक लिस्ट बना दो। क्लियर? क्या बोला मैं, प्रीवियस ईयर के पांच या छह पेपर ले लो, उसके अंदर वन बाय वन सवाल देखो, उसमें मेथड लिखी होती है मोस्ट प्रोबेबली, नहीं लिखी तो थोड़ा बुक में ढूंढो मिल जाएगी। पांच पेपर में से सवाल, टॉपिक और लिस्ट। अब ये जो लिस्ट बनाओ बेटा चैप्टर वाइज बनाओ। मान लो चैप्टर पांच है आपको, तो चैप्टर 1, 2, 3, 4 और 5, तो आपको थोड़ा ये भी आइडिया आ जाएगा कि भाई इस चैप्टर में से ज्यादा टॉपिक आते हैं पेपर में, ज्यादा वेटेज। क्लियर? तो ये आपको करना है। अब प्रीवियस ईयर के पेपर का सवाल से कोई मतलब नहीं, उसको गोली मारो। अब आपने लिस्ट बना लिया, मान लो कि मैं एक चैप्टर का नाम बोलता हूँ इलेक्ट्रिकल में, सबसे पहला उसमें सिकंट मेथड है, बाइसेक्शन मेथड है, फॉल्स पोजिशन है और न्यूटन रैफसन है। आपने पांच पेपर देखा, पांच पेपर में से तीन पेपर में आपको NR मिला, तो ऐसे लिख लो NR 3, मतलब तीन बार NR आया है। बाइसेक्शन एक बार, तो बाइसेक्शन मेथड एक बार, बाकी कोई आई ही नहीं है। तो अब आपका काम क्या होना चाहिए, पहले चैप्टर में से दो मेथड करके जाना है, दैट्स इट। ये बेटा मैं मिनिमम पासिंग मार्क्स लाने की स्ट्रेटेजी और मैक्सिमम 50% मार्क की स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। अगर आपको पूरे नंबर लाने हैं तो सब कुछ करना है, है ना, पूरे नंबर लाने तो सब कुछ करना ही करना है। तो ये आपका IMP हो गया, और उतना ही करना। उसको कैसे करना है, प्रीवियस ईयर में से मत टच करें, बुक उठाए, बुक में NR देखें, NR के एक सम को सॉल्व करें, देखे और एक खुद से सॉल्व कर दीजिए। फिर आपका एक फंडा क्लियर हो गया कि भाई ऐसा सम कोई भी पेपर में आएगा तो मेरे को आएगा। सेम टू सेम बाइसेक्शन का एक सम कर लीजिए, एक खुद से कर लीजिए, रेफरेंस के फॉर्म में खुद से अगर आंसर आ जाता है तो ये आपका क्लियर हो गया। तो बेटा चैप्टर को भी स्किप नहीं करना है, ओनली PYQ के सवाल ही नहीं करने हैं, लेकिन PYQ में से जो आए हैं उसके कंसेप्ट को पकड़ना है। खाली PYQ करके जाओगे तो थोड़ा चेंज कर लेंगे तो पता नहीं चलेगा बेटा। क्लियर? कंसेप्ट किया होगा, दो तीन सवाल लगाए होंगे तो दो तीन सवाल में भी आपको आइडिया आएगा कि इतना इतना यहाँ पे चेंज करते रहते हैं, क्योंकि मैथ्स में रिपीट होने के चांसेस 10% है। थियोरेटिकल सब्जेक्ट होता तो मैं ऐसा ही बोलता कि पांच पेपर कर लो, 70 में से 40 मार्क का आ जाएगा, लेकिन ये थियोरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है। हाँ, पेपर में अगर कोई थियोरेटिकल डेफिनेशन वो कुछ आए तो वो डायरेक्ट देख लो, रट्टा मार लो, काम हो जाएगा, वो रिपीट होने के चांसेस है, लेकिन सम रिपीट होने के चांसेस बेटा बहुत कम है, खास ध्यान में रखना। अब अगर आपको हमारे साथ पढ़ना है ना, अभी एक दो मोर इंपॉर्टेंट चीजें मैं अभी कर रहा हूं, लेकिन अगर आपको हमारे साथ पढ़ना है तो हमारी जो एप्लीकेशन है प्रियस विद्यापीठ, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, प्ले स्टोर ऐप स्टोर में अवेलेबल है, जिसमें इतने सब्जेक्ट के कोर्स है, मैथ्स 1, 2, 3, 3 मतलब प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, CVPD, AM EEE, फिर EGD, BME, PPS, BE, BEEE, BCE, DF, DBMS, DS, ETC, MOS, सबके वीडियो कोर्सेज अवेलेबल है विथ मटेरियल। 350 के करीबन हमने उसमें प्राइस अभी कर दी है एग्जाम की वजह से, आप कोर्स बाय कर सकते हो। उसके रिगार्डिंग ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई डाउट है तो ये नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी कोर्स की लिंक है, डेमो लेक्चर्स अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर के रिजल्ट्स भी अवेलेबल है। अब बेटा खास खाली अगर इसके ऊपर रहे मैथ्स के अंदर तो बेटा फेल होने के मैक्सिमम चांसेस है। तो मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ, फेल नहीं होना है, ओनली पास या फिर 50% मार्क्स मैथ्स में लाने हैं तो ये एक घंटे की थोड़ी मेहनत कर लो,
आईएमपी निकल जाएगा, उतने टॉपिक कर लो, वो आपका आईएमपी है, तो कोई चैप्टर छूटेगा भी नहीं। क्योंकि होगा क्या, जब हम तीन चैप्टर करके जाते हैं तो उसमें नॉन आईएमपी भी सब करना पड़ता है, इससे अच्छा है कि वो नॉन आईएमपी को छोड़ के बाकी के जो दो चैप्टर है उसमें से आईएमपी कर ले। तो चैप्टर सारे टच करके जाओ लेकिन सब कुछ में आईएमपी करके जाओ, कोई भी चैप्टर, ये आप हर एक सब्जेक्ट में फॉलो करना है ना, हर एक चैप्टर को करो लेकिन आईएमपी आईएमपी करो, तीन चैप्टर को मत करो, पांच है तो। मैं ऑलवेज ऐसा ही करता हूँ, अगर मेरे कोर्स में छह चैप्टर है तो मैं पांच अगर पूरे करता हूँ, छह नंबर का ऐसा लगता है कि नहीं करना तो उसको मैं छोड़ता नहीं हूँ, उसमें से जो दो तीन सवाल आईएमपी वो मैं करके ही जाता हूँ, अभी तक ऐसा ही वो उसमें से सवाल आ ही गए तो मेरा कभी छूटा ही नहीं, क्लियर। तो आपको भी ऐसा करना, एक भी चैप्टर सिलेबस में छोड़ना नहीं है, जो चैप्टर आप छोड़ने वाले हो उसमें से आईएमपी तो कर ही देना है। तो आई होप बेटा आपको पता चल गया है कि पीवाईक्यू या फिर चैप्टर, तो आप बोलोगे सर एक भी नहीं, कंसेप्ट, मैथ्स के अंदर कंसेप्ट कंसेप्ट एंड कंसेप्ट। तो ये वीडियो आपके जितने भी फ्रेंड्स अगले सब में शेयर करें, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम टेलीग्राम सेम नाम प्रिय सर विद्यापीठ से हमारा अकाउंट है, आप हमें वहां पे भी फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ, बाय, टेक केयर।